इंडियन क्रिकेट में वैसे कहते हैं कि एक हफ्ता भी काफी होता है, पर एक साल, अरे इसमें तो दुनिया बदल जाती है। मुंबई इंडियंस पिछली बार टॉप चार में थी, गुजरात टाइटंस तो फाइनल खेली थी मेरे यार, पर इस साल दोनों के हाल बेहाल। अब आगे क्या करेंगे मेरे यार, अगर हम बात करें कि कौन कौन रिटेन हो सकता है मुंबई के, हाइपोथेटिकली अगर सिर्फ चार ही खिलाड़ी रिटेन करने हो तो वो कौन होंगे, और गुजरात को अगर सिर्फ चार रिटेन करने हो और तो वो खिलाड़ी कौन से होंगे। चोपड़ा जी, क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद प्रोवो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आई रियली होप कि आप अच्छे हो। आज दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको बताऊंगा, और एक चीज मैंने बड़ी नई सीखी यार, ये फर्स्ट पोस्ट पे एक शो आता है वेंटेज करके, वो पल्की शर्मा जी करती है, पल्की शर्मा उपाध्याय, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई मुझे वो जर्मन कॉकरोचेस के बारे में। देयर आर 4,500 स्पीशीज होती है कॉकरोच की, जिसमें से वो जो जर्मन कॉकरोच है वो सबसे ज्यादा तंग करता है। तब कभी आपका मन लगे देखिएगा जियोपॉलिटिकल न्यूज के लिए, एक्चुअली बहुत अच्छा चैनल है और स्पॉन्सर्ड प्लग नहीं है, दिल से देखता हूँ, रोज देखता हूँ, वीक में 5 दिन आता है, वो सारा दिन देखता हूँ, तो प्लीज 50 मिनट का होता है वो, अच्छा होता है, आई लाइक इट, एंड में वेंटेज शॉर्ट्स भी होते हैं, प्लीज टू चेक दैट आउट। ये बिल्कुल सेल्फलेस प्लग है क्योंकि इसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। नाउ जरा पहले फटाफट से मुंबई की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुंबई की कहानी ये है कि देखिए टीम बहुत अच्छी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पेपर पे तो बहुत ही कमाल की टीम इन्होंने अर्जित की थी, एकत्रित की थी, उसके बाद कप्तान आ जाते हैं वो हार्दिक पंड्या बन जाते हैं। अगर आप बैटिंग ऑर्डर में देखो तो शुरुआत ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, निहाल वडेरा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, बड़ी अच्छी टीम है यार, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इसमें इनफैक्ट नमन धीर भी जुड़ गए, वो भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बाद में आपके पास मोहम्मद नबी, रोमिरे शेपर्ड के रूप में दो कमाल के फिनिशर्स, प्लस टिम डेविड, मैं नाम ही भूल गया, बोलिंग में तो जसप्रीत बुमराह, मधुशंका एकमात्र इंजर्ड खिलाड़ी थे, जेसन बैरनडॉर्फ भी, पर काफी थे यार, लूक वुड थे, पीयूष चावला थे, जेराल कोएत्जे थे, न्यूअन तुषारा थे, अच्छी टीम थी पर कुछ ना कर पाए, बहुत ही साधारण का सीजन रहा। और अब क्योंकि क्यों रहा सीजन साधारण, इसके कई कारण हैं, कई पहलू हैं, गेंदबाजी में बुमराह के अलावा सबका खाता खाली था, क्योंकि बुमराह यहां थे बाकी सब यहां थे, थोड़ी सी गेंदबाजी कमजोर हो सकती थी इसमें कोई डाउट नहीं था, पर इतनी कमजोर हो जाएगी कि हर दूसरा जो गेंदबाज है वो 10-11 रन प्रति ओवर खाकर जाएगा, तो फिर आप वहां से फिर आप नहीं बच सकते। और इस टीम ने बहुत बार 200 ऐसे ऐसे करके कंसीड किए हैं, दे हैड नो आइडिया, एक्चुअली बहुत स्ट्रगल किया है। और फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट तो हार्दिक पंड्या तो बॉलर का भी बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल था, और अगर हम सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट देखें, यहाँ पे फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट बैटिंग तो चल रही थी, और सेकंड हाफ में वो बैटिंग भी एकदम से धड़ाम हो जाती है, बहुत सारे विकेट से पावर प्ले में गवाते हैं। रोहित शर्मा फर्स्ट हाफ ब्रिलियंट, सेकंड हाफ एकदम साधारण, ईशान किशन फर्स्ट हाफ फेली डिसेंट, सेकंड हाफ साधारण, सूर्य कुमार या तो शून्य, शतक या बतक, या इस तरीके से अर्धशतक या बतक, इस तरीके से चल रहे थे। तिलक वर्मा वॉज कंसिस्टेंट, पर हार्दिक पंड्या विद द बैट विद द बॉल जस्ट बात बनी ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत साधारण सीजन। और जिस भी आप वो टटोल के देख लो, आप उलट पुलट के देख लो, आप पाएंगे कि नहीं यार कुछ भी चीज जो थी वो ठीक हुई ही नहीं है। अब अगर सिर्फ रिटेन करने हो चार, क्योंकि अभी पता नहीं है, वैसे मैं हाइपोथेटिकल कह रहा हूं कि अगर चार खिलाड़ी रिटेन करने हो और आपके पास स्वतंत्रता है कि आप ओवरसीज भी मन करे तो आप ओवरसीज 3 कर लो, आपका मन करे 3 इंडियन कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि राइट टू मैच कार्ड्स भी आएंगे। और अभी इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि कौन कौन कितनी टीम्स, मतलब एक टीम जो है वो कितने लोगों को रिटेन कर सकती है, तो मैं सोच रहा हूं कि ना सबसे पहला जो रिटेंशन होगा वो होगा सूर्य कुमार यादव, मतलब पहला दूसरा नहीं कह रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव को ये टीम रिटेन करना चाहेगी 100%। दूसरा खिलाड़ी मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह को 100% आप रिटेन करना चाहते हैं, हो सकता है बुमराह पहले रिटेंशन हो, दूसरे रिटेंशन सूर्य कुमार यादव हो, ये दो खिलाड़ी एब्सोल्युटली कन्फर्म्ड है। तीसरे मैं कहूंगा हार्दिक पंड्या, आपको हार्दिक पंड्या इसलिए चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी, ये लॉन्ग टर्म गेम के हिसाब से आपने खिलाड़ी को चुना था और आगे तक टीम को ले जाने के जो आपने जो रोड मैप या ब्लू प्रिंट बनाया था उसमें हार्दिक पंड्या इज एन इंटेग्रल पार्ट। तो हार्दिक पंड्या, 3 रिटेंशन हो गए। चौथा मुझे लगता है तिलक वर्मा, तो तिलक वर्मा चौथे रिटेंशन होंगे। पांचवें रिटेंशन के लिए अभी तक ये 4 के 4 इंडियंस हैं, ये टीम मुझे नहीं लगता कि कोई ओवरसीज खिलाड़ी को रिटेन करना चाहेगी या कर पाएगी। हो सकता है राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके टिम डेविड को रख ले, पर ओवरसीज कंटिंजेंट में मुझे कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा जिसको देख के आप बोलो यार इसको अगर छोड़ दिया ना तो बहुत नुकसान होने वाला है। और अब आप सोचो रोहित शर्मा का क्या, क्योंकि जो 4 नाम मैंने मेंशन किए वो 4 इंडियन जरूर हैं, रोहित शर्मा और ईशान किशन का नाम मैंने मेंशन नहीं किया है। आई थिंक ईशान किशन को तो ये जाने देंगे, हो सकता है राइट टू मैच कार्ड में इस्तेमाल करें, क्योंकि 15.5 करोड़ इज जस्ट टू मच मनी, वहां रिटेंशन में मुझे नहीं लगता कि ईशान होने वाले हैं। और रोहित शर्मा आई थिंक जो आखिरी मैच था वो मुंबई इंडियंस के लिए वो खेल चुके हैं, अब चाहे वो खुद रिटेन ना होना चाहे या फ्रेंचाइज उनको जाने दे, किसी भी तरीके से आई थिंक आई सी देम पार्टिंग वेज। मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा आपको मुंबई इंडियंस की जर्सी में दोबारा नजर आने वाले हैं, दैट्स जस्ट माई अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे लगता है कि इधर विच वे
रोहित शर्मा विल नॉट बी प्लेइंग फॉर मुंबई इंडियंस जब आप अगला सीजन शुरू करेंगे तब। मेरी कौन मेरी जो चार पांच नाम जो मैंने आपको दिए, इनमें से अगर आपको सहमति है तो बताओ, असहमति है तो भी बता देना, कमेंट सेक्शन में भर दो जरा, क्योंकि मैं आपकी ओपिनियन की बात कर रहा हूं तो ये आपको बता देता हूं कि भैया ओपिनियन का इस्तेमाल यहां पे कर सकते हो, मेरे कमेंट सेक्शन में भर सकते हो, लेकिन अच्छे से अगर इस्तेमाल करना है, थोड़े से पैसे कमाने हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना है, तो फिर प्रोवो भी जाइए, क्योंकि प्रोवो इज एन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब यहां पे आप अपने मतलब की कैटेगरी चुन सकते हैं। मैं थोड़ी क्रिकेट की बात करता हूं क्योंकि क्रिकेट ही मुझे आता है, थोड़ा बहुत जितना भी आता है। आप वो जर्मन कॉकरोचेस की बात कर सकते हैं, यूट्यूब की बात कर सकते हैं, आप किसी की बात भी कर सकते हो, अपने मतलब की कैटेगरी चुनो यार। तुम चुनो कि कौन कौन से कैटेगरी आपको पसंद है और उस कैटेगरी के अनुसार आप अपनी वो क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर सकते हो अपनी बुद्धिमता के अनुसार, और फिर इन्वेस्ट वाइजली प्ले सेंसिवली करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और जीते हुए पैसों को आप अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हो, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं यूपीआई से, गूगल पे एटसेट्रा, जो भी चीजें रहती हैं, और जीते हुए पैसे मतलब बहुत सारे करोड़ों लोग यहां खेल रहे हैं, आप भी खेल सकते हैं। जीएसटी का ध्यान प्रोबो ऑलरेडी रख ही रहा है और बहुत लोग इस पे खेल रहे हैं, तो करोड़ों लोग खेल रहे हैं, आप भी खेल सकते हैं। और ओपिनियन का इस्तेमाल अभी इंडियन टी20 लीग में किया था, अब आप वर्ल्ड कप में भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी अभी शुरू होने ही वाला है एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न। और मेरे अगर आप कूपन कोड से जाएंगे तो आपको अप टू ₹25 वैसे भी मिल ही जाएंगे, तो फिर डू चेक दैट आउट, लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। फिर बोल रहा हूं इन्वेस्ट वाइजली प्ले सेंसिबली। अब मैं बात करने चाह रहा हूँ गुजरात टाइटन्स की। गुजरात टाइटन्स टू बी वेरी ऑनेस्ट जितने मैच भी जीते हैं मुझे तो लगा उसमें भी ये पंच अबव द वेट है, क्योंकि बैटिंग में सिर्फ शुभमन गिल और साई सुदर्शन, बॉलिंग में सिर्फ राशिद खान, वो भी उतने अच्छे नहीं, पर कहीं से भी आप देखो तो वो नहीं लग रहा था टीम में दमखम। कुछ मैच जीते जरूर हैं, कुछ बार लड़ाई करी जरूर है, एक आधा मैच राशिद खान ही सिंगल हैंडली जिता देते हैं, एक मैच में दोनों ओपनर्स शतक जड़ देते हैं, एक मैच में मोहित शर्मा बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पर कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो सीजन वॉज बिलो पार, और उस बिलो पार सीजन का कारण था कि दो बैटर उसके बाद कुछ नहीं। फिर सीधा आप देखते हैं डेविड मिलर, 150 उन्होंने बनाया, ज्यादा उनका काम रहा नहीं। केन विलियमसन को आप खिला नहीं पा रहे थे क्योंकि संतुलन था नहीं, आप दो अफगान स्पिनर्स को खिलाते थे तो फास्ट बॉलर्स आपके स्ट्रगल करते नजर आते थे। हाँ, अजमतुल्लाह उमर जाए टर्न आउट टू बी अ बैड इन्वेस्टमेंट, जो कि मुझे लगा था एक्चुअली कि अच्छे इन्वेस्टमेंट रहेंगे। स्पेंसर जॉनसन डिडंट रियली सेट द वर्ल्ड ऑन फायर, फिर चाहे उमेश हो, फिर चाहे मोहित शर्मा हो, फिर चाहे संदीप वॉरियर हो, दर्शन नालकंडे हो, बहुत गेंदबाजों का इस्तेमाल भी किया, पर दाल इनकी गली नहीं है यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। इस टीम का इस बार तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि आप देख के बोलो वाओ, शाहरुख खान एक मैच, विजय शंकर किसी मैच में नहीं, राहुल तेवतिया एक आधा मैच, बट दैट्स अबाउट इट। ये टीम उतना अच्छा खेली नहीं है, और राशिद का फॉर्म में ना होना, उनकी विकेट ना चटकाना, उनका महंगा चले जाना, दैट बिकम्स अ बिग इशू। पर अब जब रिटेंशन की बारी आएगी और रिटेन आप करना चाहेंगे, 3 साल का रिपोर्ट कार्ड इस टीम का बहुत अच्छा है, चैंपियन, फाइनलिस्ट एंड लीग फेज, ऑफकोर्स तीसरा साल अच्छा नहीं था, पर मुझे लगता है रीसेट का बटन दबाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जो खिलाड़ी आपके साथ जो पंच अबव द वेट वाले थे, फिर चाहे विजय शंकर हो या रिद्धिमान साहा हो या इवन मोहित शर्मा हो या उमेश यादव हो, इन सबको शायद आपको जाने देना पड़ेगा। आप कहेंगे ठीक है यार, अब दोबारा शुरुआत करते हैं। शुभमन गिल और साई सुदर्शन मेरे फर्स्ट टू रिटेंशन रहने वाले हैं, इनको तो मुझे रखना ही है, मुझे लगता है ये टीम भी रखना चाहेगी, क्योंकि साई सुदर्शन इज कंसिस्टेंट और शुभमन गिल के इर्द गिर्द ये टीम अपने फ्यूचर को देख रही है, इस वजह से इस साल वो कप्तान भी थे। फिर मैं राशिद खान को अभी भी रोक के रखना चाहूंगा किस तरीके से, कि भाई अगर वो रुक जाते हैं तो मेरे वो तीसरे रिटेंशन मतलब फिगर आउट कर सकते हो, सकता है वो दूसरे रिटेंशन हो, साई सुदर्शन तीसरे हो जाए, पर इन तीन खिलाड़ियों को तो मैं पक्का रोकना चाहूंगा। चौथे खिलाड़ी के बारे में मैं सोचूंगा कि मोहम्मद शामी, क्या मैं इनकी तरफ जा सकता हूं, ये साल मिस किया इंजरी के चलते, पर द ओनली थिंग दैट गोज अगेंस्ट हिम कि यार उमर तो मतलब ही इज नॉट गेटिंग यंगर, और 3 साल का रिटेंशन है ये, तो क्या आप रिटेन करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा पैसों में नहीं आए थे, अगर फिटनेस का चांस है तो मैं, मुझे वो 2 साल भी दे जाए तो बहुत है, तो शामी विल बी माय चॉइस। नूर अहमद के बारे में सोचूंगा और फिर शायद जाने दूंगा या फिर रोक लूंगा, क्योंकि जब बड़ी ऑप्शन में आएंगे तो मुझे लगता है विकल्प आपके पास ज़्यादा नज़र आएंगे, तो बहुत ज़्यादा और कोई नाम मुझे नज़र नहीं आ रहे जिनको आप कहें कि यार दिस गाय शुड बी रिटेन्ड। सबको छोड़ना पड़ेगा और एक नए सिरे से टीम बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, और क्योंकि आशीष नायरा को मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, एंड ही बी वेरी गुड एट इट, तो इट बी इंटरेस्टिंग कि वो किस तरफ जाते हैं, पर मुझे लगता है जितने नाम मैंने लिए हैं इसके अलावा किसी के बारे में रिटेंशन के लिए तो नहीं सोचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई ऐसे ही होने वाला है या कुछ और होने वाला है, मुंबई के कौन से वो 4-5 लोग होंगे रिटेंशन के लिए, क्या मैंने कोई नाम मिस कर दिया बताओ भैया, क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा और खेलेंगे मुंबई के लिए तो वो भी बता दो, नहीं लगता तो भी बता दो, और कमेंट सेक्शन में बता दो नहीं भाई हम तो नहीं चाह रहे कि साई सुदर्शन रिटेन हो या फिर शुभमन गिल को छोड़ दो या राशिद खान नहीं चाहिए, आई मीन जो कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ओपिनियन का इस्तेमाल आप प्रोवो पे भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट वाइजली प्ले सेंसिबली, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, पर
एक और वीडियो आएगा आज, क्योंकि हमें ना फटाफट से वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द आईपीएल रिटेंशन के सबकी बात करना चाहता हूँ मैं, सब टीम्स की। तो दो दो वीडियोज आज हम बना रहे हैं, अगले तीन चार दिन बनाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप के प्रीव्यूज भी शुरू हो जाएंगे। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू न्यूयॉर्क बाय द वे, इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए वहीं जा रहा हूँ, कॉमेंट्री नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स के लिए मैं काम नहीं करता हूँ, पर रहूँगा वहाँ से अपडेट्स देता रहूँगा, कैसे चलेगा क्या होगा बताऊँगा बाद में। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, घंटी जरूर हो जाना क्योंकि दूसरा वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा, वो भी आ जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए।